ओए तेनु शर्म नहीं आती? इतना छोटा होके इतनी बड़ी मम्मी को लव लेटर लिखता है? आज छोटा तो क्या हुआ, कल बड़ा हो जाऊंगा और देख लेना तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। अबे तेरी एक मैम, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस यंग जनरेशन? दे आर टोटली मैड किड्स, आई कांट अंडरस्टैंड, आई एम कंप्लीटली डिसगस्टेड, एब्सोल्युटली डिसगस्टेड विद दिस जनरेशन, ब्लडी हेल। तू यूं अंग्रेजी बोल के केस साबित करना चाह रहा है, मन ने कॉम्प्लेक्स दे रहा है तू? यू थिंक आई एम क्रेजी? यू थिंक आई एम मैड? And what are you trying to say about this young generation, yeah? You think you're very smart? What generation are you? Don't you dare speak a word against these kids, okay? Now just shut up and do your work. Yes, yes, sorry, madam, sorry. And speak in your matribhasha. Do you understand what that is? Ji, madam, sorry. Khada rahe seedha. Baat mila raha hai yon ghadi ghadi. Aye. Sambhal ke. कसम मेहरारू की, बहुत मजा आ रहा है। चलो आ गए। उतरो उतरो। मैडम माफ कीजिए। क्यों क्यों करे तैने माफ? ना करेंगे तैने माफ, फिर क्या करेगा तू? अरे आप माफ नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? मैडम हम हैं गप्पू दूध वाले और ये हैं चप्पू भैंस वाले, और मैडम हमें इनके खिलाफ FIR लिखवानी है बस। क्यों भाई, इसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी या फिर साली? मतलब क्या हुआ? अरे बात ऐसी है कि हमारा धंधा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा कि ऐसी भैंस खरीद लाएं जो बहुत सारा दूध दे सके। तो हमने सोचा कहां से खरीदें, फिर हमको इनकी याद आई कि चलो इन्हीं यहां से खरीद लेते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि भैया कोई ऐसी भैंस है जो बहुत सारा दूध दे, तो ऐसी कोई भैंस बताओ। इसने बताई या नहीं बताई? अरे बताई, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सफेद कलर की भैंस है जो सुबह 50 लीटर और शाम को 50 लीटर दूध देती है। हमने पूछा दाम क्या है, तो इन्होंने कहा 5 लाख रुपया। हमने कहा चलो ठीक है। हम जाके बैंक गए, वहां से कर्जा ले आए और इनको दे दिया 5 लाख रुपया। लेकिन मैडम घर जाके भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया मैडम। और मैडम बैंक का कर्जा अलग हम पे चढ़ रहा है, बैंक वाले हर संडे को आके हमें सूत जाते हैं दूध निकाल के। क्यों भयो, चलते फिरते नटवर लाल, क्या कह रहा है यो? न थारी भैंस तो जो है ना, इसे दूध देने की जगह दूध की फोटो भी ना दिखा रही। मैडम ये इंसान जो हो एक नंबर का बौडम, एक नंबर का झूठा इंसान है मैडम, कसम महरारू की। अरे आप पूछ लीजिए इनसे कि जब हम अपनी सफेद भैंस इनको बेचे रहे तब इनको 50 लीटर दूध इनके सामने निकाल के दिखाए रहे कि नहीं, कसम महरारू की। क्यों भाई, उसने दिखाया था नहीं दिखाया था? अरे दिखाया था, लेकिन हमारे घर जाकर उस भैंस को क्या हुआ कि उसने दूध ही नहीं दिया दूध निकाल के। अरे अब हम कहा जाने कि घर जाके तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो दूध ही नहीं दे रही, कसम महरारू की। मैडम मुझे क्या लगता है मैडम, जैसे कोई इंसान अगर बल्ब खरीदने दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला हमेशा बल्ब जला के उसे दिखाता है। अब वो बल्ब खरीद के जब अपने घर पहुंचता है तब वहां पर बल्ब अगर ना जले तो उसमें दुकान वाले की तो कोई गलती नहीं ना मैडम? मैडम मुझे नहीं लगता इस आदमी की कोई गलती है। कसम मेहरारू की। ऐसा है, नया डेयरी तो खोल रखी है ना हमने, ना इतने फाइल जो है ना भर रखे हैं, बाकी केसेस भी हैं। ऐसा है कल आना, कल अगर टेम हुआ और मूड हुआ फिर तो तुम्हारे केस पे जो है ना विचार विमर्श करेंगे हम। ओके इब निकलो। ठीक है मैडम, चलो चलो छमिया। और ये नाच क्यों रही है इतना? ना मैडम ऐसी है, ये नाचे आज तुमको हम बैंड स्टैंड घुमा के रुका साइकिल घुमाएगा। ठीक से चलाओ ना। अरे तुम रुको, अरे बात कर रहे हो ज्यादा। अरे चलो चलो बैंड स्टैंड जाएंगे, कसम मेहरारू की। अरे गुब्बारे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस सर आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था सर। सर वो क्या है कि मेरे पिताजी जो थे ना वो 10 साल तक वैद्य रह चुके थे सर, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर सफेद भैंस का दूध पिया जाए ना तो इंसान की हाइट 1 फुट बढ़ जाती है। सर अगर आपकी हाइट 1 फुट बढ़ जाएगी तो मैडम भी आपकी और बढ़ जाएंगी ना सर। पर
मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? अरे सर मुझे ही ले लीजिए, 3 फुट का था मैं सर, 3 फुट का, और आज देखिए सर हाउ टॉल आई हैव बिकम। यार रियली? लेकिन एक प्रॉब्लम है, सफेद भैंस मिलेगी क्या? अरे मिलेगी, मिल गई सर, मिल गई सर। चौकी में अभी एक केस आया सर, जिसमें एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को एक सफेद भैंस बेची है जो अभी दूध नहीं दे रही है, लेकिन अच्छा निकलवाओ निकलवाओ, जल्दी निकलवाओ, ग्लास भर भर के ले आओ, क्योंकि मुझे अब लंबा होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स सर। एक 1000 रुपए की जरूरत थी सर। यस श्योर। अरे 1000 क्यों यार, 1000 क्यों, 1000 ले ले, रख ले, और चाहिए तो मांग लेना मुझे। लेकिन ये क्या है सर? दूध। जल्दी लाओ। निकल के रहेगा सर, निकलेगा। जल्दी जल्दी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अभी ये ऐसे। अरे चंद्रमुखी जी मालूम हिंदी बोलता है, दुख रहा है पैर। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पेंजड़ वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया। अरे मैडम, हमारे केस के बारे में कुछ सोचा या यूं ही चाय उड़ाते रहे हैं आप लोग? भैया साहब, थारे केस में जो है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम दिख है वो ये हो रही है कि थारी भैंस दूध क्यों ना दे रही भाई। हाँ भाई एक बात बताओ, जब तुम भैंस खरीदने गए थे तो चप्पू ने तुम्हारे सामने भैंस का दूध निकाला था, तब क्या हुआ था? अरे तब हुआ ये कि चप्पू जो है वो भैंस का दूध निकाल रहा था और उसकी महरारू भैंस के आगे ठुमक ठुमक के नाच रही थी। ओह। और हम उसकी महरारू को देख रहे थे दूध निकाल के। मैडम केस आईने की तरह साफ है मैडम, ये भैंस तब भी दूध देती है जब इसके सामने कोई डांस कर रहा हो। इसी बात पे मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दूध दुधैया ताता थैया आइडिया आ रहा है। मैडम इस बार ये गप्पू अपनी भैंस के आगे डांस करेगा तो भैंस दूध देगी ही देगी। अरे लेकिन हम तो नाचना जानते ही नहीं है दूध निकाल के। अरे तो इसमें कौन सा रॉकेट विज्ञान हो रहा है? देख ऐसा ना, सिंपल सी बात है, यो समझ ले कि तू जो है भैंस है। अरे हम भैंस है, समझ लो यार, जस्ट एग्जाम्पल। अरे लेकिन नहीं भैया, हम भैंस नहीं है। हाँ तो भाई यो भैंस है और यहाँ पर हम करेंगे एक डेमो। तो भाई यो भैंस है और गुलगुले तू इसके सामने नाचेगा, तो तू यो देख ले कि ये कैसे नाच रहा है, किस प्रकार के स्टेप्स कर रहा है। बस ज्यों का त्यों जो है ना कार्बन कॉपी अपनी भैंस के सामने मार दियो, उसके सामने तू नाच दियो, वो ऑटोमेटिक दूध दे देगी। ओके आ जा बेटा, सिंपल क्लियर। ठीक है मैडम, हम अपनी भैंस के आगे तब तक नाचेंगे, तब तक नाचेंगे जब तक वो दूध नहीं दे देती दूध निकाल। ओके चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। तरबूज हो रहा है कि एक जगह जो जम गया तो जम गया ना, मैं आई हूँ सलूट कौन मारेगा? दोनों लाडले हो रहे हो हमारे हैं कि हवलदार हो रहे हो ठाणे के? राउंड मार के आ रही हूँ मैं, धंधे पे लगो। अरे यार वो सब ठीक है यार। I'm the king. दूध निकला? अरे सर कल तक निकल जाएगा सर, आप चिंता मत कीजिए उसका, मैं हूँ ना सर। ठीक सर, वैसे एक 500 रुपए की जरूरत थी सर। 500 रुपए? 500? अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर, तुझे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा मैं? एक मिनट, दूध निकल के रहेगा सर। रख ले, मेरा भाई है तू। चलेगा। I'm the king. ओह, यो के हाल बना रखा तेने हैं? अरे यार हमने तुम्हें नाचने के लिए कहा था, तुम पिट के आ गए, ऐसा क्या हो गया? अरे अब क्या बताए दूध निकाल के। अरे मैडम हम उस सफेद भैंस के सामने पूरी रात ऐसे नाचे कि क्या बताएं। और मैडम लेकिन उस भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया। हाँ मैडम, बस क्या था कि उस भैंस के बराबर में खूंटे से एक भैंसा बंधा हुआ था। अब मैडम उसको लगा कि हम उस भैंस को छेड़ रहे हैं,
एक लव ट्रायंगल सा बन गया था मैडम। अब भैंसों को इतना गुस्सा आया, ऐसा वो तीखा और तेज तर्रार दौड़ा कि उसने अपना खूंटा उखाड़ दिया मैडम, और हमारे पीछे एकदम लप लपाए के दौड़ के हमको एकदम पचाड़ के मारा मैडम। कि दूध तो नहीं निकला भैंस का, हाँ हमारा खून जरूर निकले। चल चाहिए ऐसा है, तू एक काम कर, तू अपनी मरम पट्टी करवा, डोंट वरी, हम करते हैं कुछ। ठीक है मैडम। राम राम। हाँ मैडम, आपका शक एकदम सही निकला, वो चप्पू भैंस वाला एक नंबर का चोर है मैडम। वो गप्पू जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें एक ऐसी भैंस बेच देता है जो बिल्कुल भी दूध नहीं देती, और जब वो दूध निकाल के दिखा रहा होता है मैडम, तब वो अपनी बीवी से कहता है कि डांस करो। जब तक वो गप्पू जैसा भोला भाला आदमी डांस देखता है, तब तक वो एक अलग ट्यूब से दूध निकालता है और सामने वाले को कहता है कि ये दूध उस भैंस ने दिया है। अगर ऐसी बात हो रही है ना, तो ये देखो मारा कमाल। देखिए मैडम, हम क्या कह रहे हैं, वो जो गप्पू है ना, उस सफेद भैंस को जरूर उल्टा सीधा कुछ खिला दिया होगा, तभी वो भैंस जो है दूध देना बंद हो गई, कसम मेहरारू की। भैया ऐसा है, उसकी तो बात ही हो रही है कि भैंस को हमने सोनोग्राफी के लिए भेज रखा, उससे ज्यादा और क्या करेंगे। भैंस की सोनोग्राफी? हाँ, रिपोर्ट लेके गोपी आता ही होगा, बस तुम रुको यार। मम्मी जी, ये रही उस फेर भैंस की काली सोनोग्राफी और ये रही उसकी रिपोर्ट। यो कैसे सत्य हो सके, देखियो जरा गुलगुले। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है गोपी, जरा देख। हाँ जी जी मम्मी जी, ये कैसे हो सकता है। अरे अरे अरे, का कैसे हो सकता है, हम क्यों तो बताओ, कसम मेहरारू की। भैया साहब, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, साफ क्लियर हो गया है कि भैंस दूध क्यों ना दे रही। भैया ऐसा है, भैंस दूध तभी देगी ना जब खाएगी, भैंस खा कतई ना रही, और खा इसलिए ना रही क्योंकि उसके गले में जो है ना एक थैली अटकी से, जिसमें करीब 8-10 बड़े बड़े डायमंड्स है। डायमंड? कसम मेहरारू की। हाँ, और मैडम देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये डायमंड करीब 5-1 करोड़ के तो होंगे। नहीं अरे रुका हो, यहाँ करोड़ों की बात चल रही है, तुम हो कि नाचे जा रही हो। यार तुम तो एक नंबर के डफर हो, तूने 5 करोड़ की भैंस 5 लाख में बेच दी। अब ये हीरे तो गप्पू को मिलेंगे, क्योंकि जिसकी भैंस उसी के हीरे, स्यापा खत्म। अरे नहीं नहीं नहीं, अबे मैडम मैडम कुछ कीजिए मैडम, कसम मेहरारू की कुछ कीजिए ना। भैया साहब, इस समस्या का तो एक ही सोल्यूशन दिखे, और वो ये हो रहा कि थारी भैंस हम तय नहीं बेच दे। पर न पुलिस ऐसा अनलॉफुल काम क्यों करे, इसमें हमारा के इंटरेस्ट हो रहा। अब मैडम मैडम, वही होगा जो आप कहेंगे, कसम मेहरारू की। हाँ अच्छा, ऐसी बात हो रही है तो कल 25 लाख लेके आ जी, हम थारी भैंस तैन बेच देंगे। 25 लाख? ठीक है मैडम, ठीक है, कोनो बात नहीं, 25 लाख रुपए लेके कल हम यहाँ आ जाएंगे कसम मेहरारू की, और यहाँ से जो है 5 करोड़ की भैंस ले जाएंगे कसम मेहरारू की। ओके देन, इट इज अ डील। तो डील है तो हाथ मिलावा भैया। अरे एक कानून अपराधी से हाथ मिला रहा है दूध निकाल के। हम समझ गए हैं कि आप हमरी नहीं, इसकी मदद कर रहे हैं दूध निकाल के। ओ, तू जो इतना ही घना जस्टिस चौधरी हो रहा है, तो भाई ऐसा है बालको, इसको तो सबसे पहले करो अरेस्ट में, हैं? इसको डालो लॉकअप में, और तू गोपी जाके इसके तबेले से इसकी कंट्रोवर्सियल भैंस जरा लेके आइयो। ओके चला, चल 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 चल, दूध तो तहार हम निकाली बात, देख के भैया देख के, भैया देख के, ये दूध निकाली हमारे। ओ अपनी नचनिया ने लेके जाए यहाँ से। जाते आम देखिए। ओए चंद्रमुख जी, चंद्रमुख जी, चंद्रमुख जी किधर है आप भाई? यस सर। चंद्रमुख जी आइए जरा लेवल में आके बात कीजिए। हाय। I love tall men. हाँ, and I love short women. हाय। Oh yeah. मालूम हिंदी बोलता है। हाय।
इलो पहुंच गए, कसम मेहरारू की। उतरा ध्यान से। I'm the king. मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। मैडम इली जब 25 लाख रुपए पूरे गिन के लाए हैं, अब हमारी सफेद भैंस जो है वो हमके दे दीजिए, कसम मेहरारू की। अरे मैडम ये आप गलत कर रही हैं। ओए तू चुप कर। ओए तुझे क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की चवन्नी कम? मेरा मतलब है अनइंटेलिजेंट है। तुम चुपचाप खड़े रहो यार वहां पर। भैया ऐसा है, यो सब तो सही दिखे मन्ने, पर जरा अपनी मेहरारू से तो कह न उसी प्रकार से ठुमके उमके से लगा दे और हमें भी दिखा दे जैसे कि वो तब लगावे जब तू जो है लोगों को अपनी दूधलेस भैंस बेचा करे। अरे आप तो सब ही जानती है मैडम। ठीक है ये मेहरारू तनिक ठुमका लगा के दिखाई दे इनके मैडम के। ऐसे नहीं, ऐसे ये पापा। मैडम कैसा लगा हमारा मेहरारू का ठुमका? और तैने कैसा लगा यो रैपता? हाँ? ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। आन दे भाई। हाँ भाई गप्पू यो ले 25 लाख, 5 लाख थारी भैंस के और 20 कंपनसेशन हाउस डेट। ये 10-20 भैंसे खरीद ले और खूब दूध निकाल, चल बेटा ले ले। अरे अरे लेकिन मैडम। लेकिन की थारी ऐसी तैसी भाई, वो रपट थी ना वो गलत थी ना भाई, तू इतना बेवकूफ ना इतना मूर्ख हो रहा है कि तैने यो भी ना पता कि भैंस के गले में जो है ना कैसे फंस जाएगी डायमंड की थैली। यो सब थारे से इसलिए हमने करवाया ताकि तू जो है यो कैश आसानी से लाके हमें दे दे ताकि हम बेचारे का जो है ना कंपनसेशन करवा दें। फसा दिया रे। ए भाई दोनों मियां बीवी को लॉकअप में डालो, वहीं पे होगा इनका एंटरटेनमेंट। चलो कसम मेहरारू की। मेहरारू की कसम। अरे लेकिन सुनिए तेरी कसम गई भैंस पानी में। माफ कीजिए मैडम, हमने आपको बहुत गलत समझा दूध निकाल के। भैया ऐसा है इब तू जाके आराम से 10-20 भैंसे खरीद ले और खूब दूध निकाल। और सुन ले ओ, ना भैंस खरीदते वक्त भैंस पे नजर रखियो ना कि बेचने वाले की जो है ना बीबी पे। जी मैडम। चल निकल। चाइनीज फूड मंगा कर रख। आ रही हूँ मैं जरा। अरे सर आप, सर एक्चुअली मैं आपके पास ही आ रहा था। मुझे अभी अभी पता चला है सर कि सफेद भैंस का दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती, एक्चुअली सफेद ऊंटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ती है। ऊंटनी नहीं बेटा, अब होगी तेरी कूटनी।